वेलकम बाय वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस ये कहते हैं हमारा बहुत सबसे पहले से बात करते हैं, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था तो भाई टाइम नहीं मिलता मुझे व्लॉग बनाने का। मैं सिर्फ कुछ चाइनी बिजनेस मैन हूँ, मजाक करो कहते कुछ टाइम नहीं मिलता, तो आज टाइम मिला, कॉन्टेंट भी मिल ही गया बनाने। तो क्या कहते हैं आप लोग को पता होगा कि हमारे सेटअप पर एक ग्रे शामू का चूजा जिसकी वजह से थोड़ी टेढ़ी सी थी, तो उसको मैंने बोला क्योंकि उसका ऐड लगाया हुआ था। तो एक बंदे ने फ़ोन किया था रात में उसकी डील बनाने के लिए, तो क्या कहते हैं वो आ रहा है आज 10 तक। तो अभी रात की कुछ 7 या 8 बज रहे हैं, तो अभी आते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं, देखते हैं क्या डील बनती है। उसने 4:30 का है, मैं 5:30 कह रहा हूँ, देखते हैं क्या डील। तो भाई क्या कहते हैं अभी जो मेरे और एक्स उसके रखे हुए थे इनक्यूबेटर में, उसके भी इंशाल्लाह आप लोग के लिए रेडी हो रहे हैं 2 वीक्स तक, वो लोग आप लेंगे सही है ना, नोजल्स पे लगाने नहीं पड़ेंगे मुझे। तो कोई 8 एग्स हैं अभी, वो फीमेल दे रही है तो इनक्यूबेटर में मैं रखता रहता हूँ। तो अभी आप लोग को दिखा देते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, मैंने कल उनकी कैंडलिंग भी की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इसमें 6 एग्स में 6 बच्चे और 2 मैंने कल ही रखे थे, तो उसका 3 दिन के बाद अंदाज़ा होता है। तो अभी चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, 35 टेम्परेचर हो रहा है 0.7। तो मैंने अभी इसके यहाँ से लाइट जलाई थी, तो ये खोलते हैं क्योंकि कल मैंने कैंडलिंग भी की थी, सब पानी वगैरह अभी लेवल सही से हुआ हुआ है, इसके वजह से यूँ हाथ मारे थे। तो भाई ये थी हमारी एग्स वाली मशीन। तो क्या कहते हैं वो बस 10 बजे आते तो फिर आप लोग से मिलते हैं, ऐसा ना हो कहीं टोपी करा दे, आता है तो आप लोग से मिलते हैं। तो वही ना ये कहते हैं उस बंदे ने जो टोपी करा दी थी वो तो बंदा नहीं आया था रात में, पता नहीं क्या सिलसिला बना, फिर मैंने फ़ोन नहीं किया था। तो अभी मैं जुम्मे का दिन था, स्कूल वगैरह से आके नमाज़ पढ़ के आ गया था, तो अभी मैंने इन लोग के लिए एग रखे थे बॉयल होने के लिए, बोलने चलते हैं। अभी मैं रख ही रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले आप लोग को दिखा देते हैं, फिर कुछ नए पैरेट्स भी लाए थे हम लोग तो पहले एग बॉयल कर लूँ, सबसे पहले तो वो ही ना देते हैं शाम की डाइट, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो भाई अगर आप में से भी किसी ने शामू के वगैरह पाले हुए हैं या तो मतलब असील और जो कि अच्छी केयर करना चाहते हैं इनकी, तो आप हफ्ते में तकरीबन जब तक 6 माह के नहीं होते आप लाजमी हफ्ते में 2 दफ़ा इन्हें बॉयल अंडे दिया करें। अगर 2 चूज़े हैं तो क्या कहते हैं आप दिया करें 1, अगर 4 से 6 हैं तो आप 2 दे दें, इंशाल्लाह कितनी अच्छी प्रोग्रेस आएगी। तो अभी चलते हैं, मैं इनके लिए अंडे बॉयल कर रहा हूँ और मैं इनको खल में कीड़े वगैरह वॉर्म्स वगैरह भी बना के देता हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी चलते हैं इनके लिए एग्स लेकर आते हैं। मैं नीचे किचन में आ गया हूँ, मैंने एग्स वगैरह रख दिए, कोई भी एक अंडा यहाँ पे आ गया, ये देखें स्पीड देखें लो गिरा दिया सब, इनको दूर करो, इनको मैंने दे दिया था एक, इनका भी जो ऐसा अंडा बना था देखने के लायक ही नहीं था, मैंने खुद बनाया था तो इनको मैंने दे दिया। अभी भी इनकी इनकी स्पीड देखें, माशाल्लाह से जब मैं ऐसे गया था क्या कहते हैं कितने छोटे छोटे से थे, अब देखें माशाल्लाह इनकी हाइट्स देखें। माशाल्लाह जस्ट ये अभी कोई 4 या 5 मंथ का मेल है। पिछले संडे हम लोग ब्लू वाले जाकर सर कर पाएंगे, खल में कीड़े बने या नहीं बने, लेकिन इनके जो मिनट
सा आटा डाल दिया ऊपर से, ऊपर से थोड़ा सा दूध हो गया, तो ये इंशाल्लाह आपके 3 to 4 days में बन जाते हैं। अब इनका देखना आप 1 month तक क्या रिजल्ट आता है, तो मैं तो इन्हें पहले भी डालता रहता हूँ। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आप लोग को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।